हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक नॉन वेज डिश कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुर्गी कबाब। मुर्गी कबाब के लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू कैन नोट डाउन। वन मीडियम साइज चिकन अराउंड 1 kg, 1 कप ऑफ कर्ड, हाफ कप ऑफ क्रीम, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड फॉर मसाला स्पाइसेस, 2 बिग ऑनियन, 2 क्लोव गार्लिक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 2 पीसेस ऑफ कार्डमम। जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, एक चिकन 1 किलो के अराउंड, 1 कप दही, आधा कप क्रीम, 2 बड़े चम्मच मक्खन या घी, बटर, नमक स्वाद अनुसार। मसालों के लिए हमको चाहिए 2 बड़ी प्याज, 2 लहसुन के फांके, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी इलायची। फर्स्ट वी वाश चिकन क्लीन, वाश क्लीनली एंड देन पीस इट इन हाफ फ्रॉम लेंथ एंड रिमूव द स्किन। Then grind all the ingredients for masala. Add curd and cream and salt. And it will make a paste. Then we have to pierce chicken with fork all over. And then marinate it in the above masala we have already made it, and keep for at least 30 minutes to be marinated. Then we have to take a pan and fry the butter or whatever oil you have. And heat up that butter in a pan and then add chicken, marinated chicken, and fry it until its color become brown. After it, if you have some masala remaining, you add that masala and then cook it until all ingredients dried up and chicken became softer. Then you can serve it hot with some garnish, with some leaf of coriander or green chili or whatever you have. Serve with that. जो हिंदी जानते हैं उनके लिए बता दूं, चिकन को आप अच्छी तरह धो लेंगे, साफ कर लेंगे, लंबाई में उसको काट लेंगे और उसकी स्किन ऊपर से उतार लेंगे। उसके बाद जितने भी मसाले आपको बताएं उन सबको पीसेंगे, जो पीसने वाले मसाले हैं जैसे धनिया वगैरह, काली मिर्च, उनको सबको पीसने के बाद उसमें दही और क्रीम और नमक मिला के
एक पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद चिकन को काटेदार चम्मच से अच्छी तरह गोदेंगे, अच्छी तरह उसमें सुराख करेंगे, और जो मसाला आपने तैयार किया है उसमें उसको लपेटेंगे और उसको 30 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद पैन में हम मक्खन गरम करेंगे और उसमें चिकन डालकर ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। ब्राउन होने के बाद उसमें जो बाकी मसाले जो बच गए हैं लपेटने के बाद, उन सबको भी उसमें डाल देंगे फ्राई पैन में, और अच्छी तरह चिकन को पकने देंगे। उसके बाद सर्व करने से पहले, गरम गरम सर्व करेंगे, उससे पहले उसमें थोड़ा धनिया वगैरह रख सकते हैं आप, धनिया खाते हैं तो, हरी मिर्च खाते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्याज वगैरह के टुकड़े ऊपर से डाल सकते हैं, या और कोई आप उसको गार्निश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उसको गर्म करें और खाएं। दैट विल बिकम ए वेरी टेस्टी डिश फॉर यू, एंड आई एम होपफुल दैट यू विल ट्राई दिस रेसिपी एंड ऑल्सो कमेंट दैट हाउ टेस्टी दैट रेसिपी वॉज, एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वाट एवर वीडियो आई एम मेकिंग फॉर यू यू गेट ऑटोमेटिकली, एंड देर इज नो चार्जेस फॉर सब्सक्राइबिंग, जस्ट टू क्लिक ऑन कंप्यूटर स्क्रीन वेयर यू फाइंड सब्सक्राइब ऑन लेफ्ट हैंड साइड जस्ट बिलो द वीडियो, क्लिक दैट सो दैट यू गेट ऑल द वीडियोज विदाउट सर्चिंग फॉर दैम। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक यू।